Harinder. Hello everyone, I am Amandeep Kaur. So today we are going to discuss the new QCAT topics of February 2021. We will give you a few ideas on these topics, what you can speak or not. सबसे पहले टॉपिक जो आया है दैट इज डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर कंप्यूटर ब्रोक डाउन. अमन हम इसमें क्या बोल सकते हैं? इसमें हम बोल सकते हैं कि वो सिचुएशन क्या थी, कब हमारा कंप्यूटर ब्रोक डाउन हुआ, क्यों हुआ, क्या कोई रीजन था, क्या वो गिर गया या हम उसके ऊपर कर क्या रहे थे. हमें वो सारी सिचुएशन जिसके अंदर डिस्कस बतानी है. हमें इसमें ये भी बताना है व्हाट यू डिड टू फिक्स इट, आपने कैसे उसको ठीक कराया, कैसे रिपेयर कराया या रिप्लेस किया, क्या सॉल्यूशन रहा. उसके बाद हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हमें उस चीज के बारे में, सिचुएशन के बारे में क्या क्या फील हुआ, हमने उसको क्यों हुआ, कैसे टूट गया और कैसे उसको हमने रिप्लेस करवाया. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन यू गॉट लॉस्ट इन अ टाउन और अ सिटी. अब देखिए जीपीएस के जमाने में डिजिटल टाइम और हम कह रहे हैं हम गुम हो गए, तो दैट मींस या तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था या मोबाइल नहीं था. और क्या कह सकते हैं हमारे इसमें? ये भी कह सकते हैं कि हमें उस प्लेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई हमारा वहां नोन नहीं था, या फिर अभी हमें फोन इतने अच्छे से चलाना ही नहीं आता था कि हम नहीं सर्च कर पाए कि हाउ टू यूज जीपीएस. अगला टॉपिक है टॉक अबाउट अ डिसीजन यू मेड रिसेंटली. अब इसमें आप बता सकते हैं कोई भी रीसेंट डिसीजन व्हिच यू हैव टेकन, इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्टडीज, करियर और रिलेटेड टू योर लाइफ और मूविंग टू अनदर सिटी और अब्रॉड, इट कैन बी एनी. लेकिन इसमें आपने ये भी बताना है कि हाउ यू फेल्ट आफ्टर मेकिंग दैट डिसीजन, whether it was in your favor or not. क्या आपको उसमें regret हुआ या फिर आपको खुशी हुई. अगला टॉपिक कौन सा है अमन? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्क्राइब अ म्यूजिक इवेंट दैट यू विजिटेड एंड यू डोंट लाइक द म्यूजिक. अब इसमें हमें ये बताना है कि हम किसी भी इवेंट में गए, कोई ओकेजन में गए और वहां का म्यूजिक हमें पसंद नहीं आया, वो टाइम क्या था और हमें वो म्यूजिक क्यों पसंद नहीं आया, क्या वो हमारे टेस्ट का नहीं था. अब इसमें कई लोग ना बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें सिर्फ कॉन्सर्ट का ही बोलना है ना, लेकिन जरूरी नहीं है, आप किसी और म्यूजिक इवेंट पे भी जा सकते हैं. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि कॉन्सर्ट ही म्यूजिक इवेंट हो, इट कुड बी मैरिज आल्सो. मैरिज इज नॉट अ म्यूजिकल इवेंट ओनली, बिकॉज देयर आर अदर सेरेमनीज आल्सो. सो इसमें हम लोग मैरिज वगैरह की बजाय कोई म्यूजिक इवेंट और क्या कह सकते हैं, जैम सेशन. यस, इट कुड बी. या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू टू यूज अ कंप्यूटर. अब इसमें देखिए आपको कंप्यूटर यूज करने में डिफिकल्टी आई, अब इसमें क्या बोल सकते हैं आप कि क्या डिफिकल्टी आई और फिर किसने आपको यूज करना सिखाया या हेल्प की कंप्यूटर को यूज करने में. और कौन सा टॉपिक है अमन? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्क्राइब अ स्किल दैट समवन टॉट यू व्हेन यू वर अ किड और चाइल्ड. जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई ना कोई कुछ सिखाता है, तो उस चीज के बारे में हमें बताना है कि हमें किसने क्या सिखाया और क्यों सिखाया, क्या हमें उसे सीख कर कुछ मिला है. अब वो कोई भी स्किल हो सकता है, चाहे वो साइकिल हो या फिर कुछ लिखना हो, राइटिंग हो, कुछ भी. मोस्टली स्टूडेंट इसमें बिकॉज व्हेन यू आर अ चाइल्ड है तो सब लोग क्या बोलते हैं इसमें, साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग सबको किसी न किसी ने सिखाई ही है. Yes. The next topic is talk about an occasion when you had to tell your friend the truth. Here generally we talk about any bitter truth you had to tell your friend. इसमें हम क्या बोल सकते हैं अमन? It could be a situation जब हमें उसको उसकी कोई चीज हो जो हमने तोड़ दी, जो उसे बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और उसे हम बताने में डर रहे हैं कि मैं उसे कैसे बताऊं, तो वो सिचुएशन हो सकती है. या फिर हमने कुछ तैयारी करी है, मैं पास हो गई और वो फेल हो गया, तो समवेयर वो उसके लिए डिफिकल्ट है, वो उसके लिए बिटर ट्रुथ है, तो उसको हमने उसे कैसे बताया, हमें वो चीज उसके अंदर बोलनी है. The next topic is talk about a person you know who always helps people. Here you can talk about any friend or neighbor, the person who helps people. That person can be part of any kind of NGO also. Yes. So here we can explain about the personality and how you feel about that person. Like, are you proud of him? Her? Next topic is. Next topic is describe an ambition you wanted to fulfill for a long time. अब हमारे बहुत ambitions होते हैं जिन्हें हम fulfill करना चाहते हैं. कुछ होते हैं हम नहीं कर पाते, पर कुछ होते हैं जो हम करना चाहते हैं. तो वो ambition क्या था, क्यों हम उसे पूरा करना चाहते हैं, वो किस तरह का ambition था, हम इसके अंदर ये सब explain कर सकते हैं. ऐसा एक और topic आ रहा है अमन, talk about a goal that you wanted to achieve and succeeded. Yes.
Like the earlier topic was any ambition you wanted to fulfill, and here it is goal. It's almost same. You can talk about any particular goal which you have successfully achieved. Next topic. Talk about a friend you have not seen in a long time. अब कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपका स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो या चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जिसको हमने बहुत टाइम से नहीं देखा. हमारा उसके साथ कांटेक्ट क्यों मिस हो गया? क्या हमारे पास नंबर था उसका, वो मिसप्लेस हो गया, या वो कहीं और शिफ्ट हो गया, या हम कहीं और शिफ्ट हुए? और हमें उससे मिलकर क्या फीलिंग आई? क्या हम बहुत खुश हुए, एक्साइटेड थे, या फिर हमें अच्छा भी नहीं लग सकता? तो हमें इसके अंदर वो सब डिस्क्राइब करना है. Describe an activity you enjoy occasionally that is a bit expensive. In this topic, you can talk about any activity on which you spend money. अब जैसे इसमें देखिए कौन सी एक्टिविटीज हो सकती हैं. इट कैन बी स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, इट कैन बी पैराग्लाइडिंग एज वेल. एंड बिकॉज दीज एक्टिविटीज आर एक्सपेंसिव, बट द थिंग इज वी आर नॉट डूइंग दीज एक्टिविटीज इन आर डेली लाइफ. तो हम यहाँ स्पा वगैरह का भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोज आर ऑल्सो लिटिल बिट कॉस्टली. नेक्स्ट टॉपिक अमन. टॉक अबाउट समथिंग यू बॉट दैट यू वर प्लीज्ड विद. अब यहाँ हमें कोई भी ऐसी चीज बोलनी है जिसको हम लेकर बहुत ज्यादा खुश हुए, चाहे वो हमारा फोन हो, कार हो, बाइक हो, जो भी हम लेना चाहते हो. हमारी काफी टाइम से इच्छा और हमने उसे लिया है, तो हमें उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है. नेक्स्ट टॉपिक है टॉक अबाउट अ कॉमेडी मूवी यू हैव सीन रिसेंटली दैट मेड यू लाफ. ये आपने कोई भी मूवी घर पे देखी हो सकती है. इट कैन बी ऑन नेटफ्लिक्स, इन थिएटर और ऑन टेलीविजन. यू कैन टॉक अबाउट एनी मूवी. इट्स नॉट अबाउट दैट मूवी इज रिसेंट. You have seen recently. Yes. Next topic. Next topic is describe a time you saw a wild animal. अभी कोई भी wild animal हो सकता है, lion, tiger, giraffe, कोई भी. तो हमें इसके बारे में बताना है, उसके थोड़े features हम इसके अंदर describe कर सकते हैं, और वो खाता क्या है, या फिर उसको हमने कहाँ पर देखा. वो कोई भी जगह हो सकती है. Yeah, it can be zoo or sanctuary. आजकल लोग जाते हैं वो फिर लाइव अपना पास से देख सकते हैं ये एनिमल्स को. तो आप बता सकते हो यू केम अक्रॉस दिस एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल, बट यू शुड नो अबाउट द, यू शुड नो द फीचर्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉक अबाउट अ फैमिली यू नो नॉट रिलेटेड टू यू. इन दिस टॉपिक यू कैन टॉक अबाउट एनी फैमिली बट नॉट योर ओन फैमिली और योर रिलेटिव. हियर यू कैन टॉक अबाउट योर नेबर्स फैमिली, योर फ्रेंड्स फैमिली, एंड व्हाई यू लाइक दैट फैमिली, व्हाट डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दैट फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक अबाउट अ प्राइज दैट यू रिसीव्ड. इट कैन बी एन अवार्ड और अ मेडल इन एनी कॉम्पिटिशन. कोई भी कॉम्पिटिशन में आपने वो लिया, रेसिंग कॉम्पिटिशन था या फिर वो कोई भी था, आपने उसे उसमें क्या अर्न किया? क्या वो आपने मनी दी उन्होंने, या फिर आपको कोई मेडल दिया, या फिर कुछ और उन्होंने गिफ्ट किया, या कोई स्कॉलरशिप थी? और उसके बारे में हमें ये भी बताना है कि हमें उसके बारे में फील कैसा हुआ जब हमने उसके लिए मेहनत की, उसको कैसे हमने लिया, और लास्ट में हमारी फीलिंग्स. ऑलराइट, दीज आर द न्यू टॉपिक्स ऑफ फरवरी 2021. फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू.